स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उनके भाई श्री गोविंद कांडा द्वारा जो हम आरोप लगाते थे कि ये धन बल के और दूसरे गंदे हथकंडे अपनाकर वोटरों को खरीदने का प्रयास करते हैं या लोगों को जमीन खरीदने का प्रयास करते हैं, उन आरोपों की मैं आज आपको विध सबूत दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार इन लोगों ने चुनाव जीतने के बाद 5 साल तो कभी जनता की सूद नहीं ली, कभी धन्यवाद करने भी नहीं गई। आज जब चुनाव आ चुके हैं तो वही हथकंडे अपनाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का जमीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो काम है गोवा के अंदर, जो इनका कारनामा सबसे किसी से छुपा नहीं हुए, अपना जमीन बेचकर ये वहाँ से जो गंदा पैसा कमाते हैं उन पैसों से सरसा की जनता का जमीन खरीदने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में जैसे चुनाव घोषित हुआ है तो आप सबको ही मालूम है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। इस चुनाव आचार संहिता में जो हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अंदर लोक अधिनियम की जो 1951 की धारा 123(2) उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद में कोई प्रॉब्लम देना, मतदाताओं को लुभावनी घोषणा करना या किसी प्रकार का लालच पैसे बांटना, 50,000 रुपये से नकद हम नहीं रख सकते। अगर आज कोई भी आदमी 1-2 लाख रुपये लेके चल सकता है तो उसके पैसे जब्त किए जाते हैं और उसको सबूत देना पड़ता है कि ये पैसे मैंने कहाँ से मेरे खाते से निकलवाए हैं और मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। परंतु स्थानीय विधायक गोपाल कांडा का भाई गोविंद कांडा अपनी गाड़ियों में, पुलिस की स्कॉल्टी में, प्राइवेट बाउंसरों की मदद से लाखों करोड़ों रुपए गाड़ी में भर के जाता है और गांवों में नगद सरेआम स्टेज के ऊपर भी पब्लिकली भी किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख रुपये, किसी को 2 लाख रुपये, किसी को कुछ सरेआम स्टेज पर पैसे बांट रहा है। तो मैंने चुनाव आयोग में कल शिकायत डाली है, ये चुनाव आयोग को मैंने सारी विध प्रूफ कंप्लेंट डाली है और कल मैं दिल्ली भी, मैंने चुनाव आयोग से समय मांगा है और मुझे कल दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल दिल्ली में बुलाया है। मैं वहाँ भी ये कंप्लेंट करने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार का इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, लोगों के पैसे के माध्यम से खरीदने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो जो कानून है आचार संहिता चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट का जो कानून है उसके तहत इनको अयोग्य घोषित किया जाए और इनके खिलाफ जो भी धारा बनती है उनके खिलाफ इनके कार्रवाई की जाए। तो ये एक मैं आपको नराना नारायणखेड़ा गांव की है, ये नारायणखेड़ा गांव में 3 दिन पहले की ये है। गोविंद कांडा गया था बांसरियाम, इसने 9 लाख रुपए, ये सरपंच है, ये स्टेज पर पैसों की गिट्टी है इसके हाथ में लगी, ये 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए सरेआम ये इसको पैसे दे रहा है। इसकी वीडियो क्लिपिंग भी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 9 लाख रुपए दे रहा है। इसी तरह बेगू गांव के अंदर इसने 6 लाख रुपए वाहन नकद दिए, पंचायत लोगों के सब पब्लिकली। चोबुर्जा गांव में भी इसने 50,000 रुपए नकद दिए हैं और कुछ सड़क के नाम के लिए, शिवपुरी के नाम के लिए है। चाडीवाल गांव में 10 लाख रुपए नकद देने का काम किया खड़े के लिए, लोगों के खंभे के लिए। दूसरा, इसने एक विज्ञापन जारी किया हुआ है, सभी न्यूज़पेपरों में भी और होर्डिंग भी लगाए हैं कि किसी को भी कोई भी सीवर की, स्ट्रीट लाइट की, कोई सफाई की समस्या हो तो वो इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करे। किस अधिकार से स्ट्रीट लाइट बांटने का इनके पास क्या अधिकार है? चुनाव आचार संहिता लगती है, नगर पालिका का काम है, नगर परिषद का काम है, अगर स्ट्रीट लाइट खराब होगी बदलना नहीं लगाना, इनके पास किसने अधिकार दिया हुआ है स्ट्रीट लाइट बांटने का? अगर ये प्राइवेट बांट रहे हैं तो सरकार आंखें क्यों मुंदी हुई है? ये स्पष्ट देखो, इसने लिखा है किसी को स्ट्रीट लाइट चाहिए, सीवर लाइन चाहिए। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि प्रशासन इनकी गाड़ियों की चेकिंग करे और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है वो करे। कल मैं दिल्ली में 11 बजे चुनाव आयोग मुख्य से मिलूंगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगा। फिर भी अगर सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कानूनी सहारा लेके कोर्ट में भी जाऊंगा। डाल रही है ये गोविंद कांडा दे रहा है।